अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद अब्बासी। बिल आखिर पाकिस्तानी कौम को एक फिरौन से छुटकारा हासिल हो गया है। काजी फ़ाइज़ ईसा आज रिटायरमेंट लेने के बाद घर चले जाएंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस हैं और इंशाअल्लाह उनसे हमें उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में ये एक अच्छा फैसला करेंगे जिससे मुल्क पाकिस्तान के जितने भी सियासी ढांचे थे जिनको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फैसलों की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा था और शायद के मुल्क की तारीख का एक कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस जो था आज रिटायरमेंट लेने के बाद घर जा रहा है। अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर बात करूं, बाकी किसी भी फैसले के ऊपर, किसी भी अदलिया में होने वाले अप डाउन केसेस के ऊपर बात ना करूं तो मेरा ख्याल है कि ये मेरा वीलॉग जो है वो शायद कई घंटों तक ये चल सकता है। इतना काजी फ़ाइज़ ईसा ने आइन के साथ खिलवाड़ किया, रियासत के जो एक कानून है इसका खिलवाड़ किया और एक टीम के हक में ये शख्स काम करता रहा और जितने भी इसके फैसले थे ये मुल्क की सलामती के लिए हमेशा खतरा बने रहे। काजी फ़ाइज़ ईसा की वजह से एक सियासी जमात को डाउन टू अर्थ किया गया, क्रश करके रख दिया गया और उसी सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया गया, फिर उसके जो पानी थे उसे बंद कर दिया गया जेल में और ये सारा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कलम से होता रहा। तमाम तर चीजें जो मैं आज आपको इस वीलॉग के अंदर बताऊंगा ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की गई चीजें थी जिसकी वजह से मुल्क आज इस सूरत हाल में है और शायद के किस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फैसलों की वजह से मुल्क किसी भी टाइम बड़े किसी हादसे का शिकार हो सकता था। लेकिन अल्लाह ने किया कि 13 माह का जो टाइम था, एक स्याह तरीन तारीख तरीन टाइम जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुजारा, कहीं बार काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक ही शख्स को बंद करने के लिए, सजाएं देने के लिए अदालतें खोली और काजी फ़ाइज़ ईसा के इतने कंट्रोवर्शियल फैसले कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आता लेकिन दूसरी तरफ जो फैसला था, जो डिसीजन था वो सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई के खिलाफ चला जाता। ये सारी आंख मचोली रही। जो बैट का मामला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी काजी फ़ाइज़ ईसा की वजह से छीन लिया गया। फिर दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशानात का मामला था, वो भी इन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा ने इतना कंट्रोवर्शियल किया कि लोगों ने जूते, बैंगन और इस तरह के जो निशानात थे वो अपने रखे और उसके बावजूद भी जो है नून लीग के जो उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी। ये सारी सूरत हाल जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मुल्क के अंदर पैदा की, इलेक्शन चोरी करवाने में इस जो एक लंती चीफ जस्टिस जो मुल्क का था इसका बड़ा किरदार था, इलेक्शन चोरी करवाया। फिर इस शख्स ने जाकर मुतद्दिद जगहों पर मीटिंग्स की, हमें जो इत्तला हुई और लोगों की मंशा के मुताबिक ये आइन के मुताबिक फैसले नहीं करता था बल्कि जो सियासी इस मुल्क में लुटेरे बैठे हैं उनके हक में फैसले करता रहा और इन फैसलों की वजह से ही मुल्क को शदीद नुकसान हुआ। जब ये पॉलिटिकल अनरेस्ट अदलिया के फैसलों की वजह से पैदा हुई तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें भी सामने आई जिससे तोड़फोड़, जलाओ गिराओ, धरने और एहतियाजी सियासत का आगाज हो गया। फिर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इतने रंजीदा थे कि 9 मई का वाकया भी शायद के इसकी कड़ियां चीफ जस्टिस के इन्हीं फैसलों की वजह से ही जाकर मिलती हैं। इस इकदाम की वजह से बड़ी पैमाने पर एक खराबी पैदा हुई और खराबी पैदा होने की वजह से मुल्क में एक इंतशार की फजा स्टिल अभी तक बरकरार है। लेकिन अभी जो सूरत हाल इसी चीफ जस्टिस एक लंती किरदार के जाने के बाद पैदा हो चुकी है मुल्क के अंदर, मेरा ख्याल है कि एक बड़ी हमवार सूरत हाल है। बुशरा बीबी की रिहाई हो चुकी है, आने में वाले दिनों में मजीद पेशरफ्त होगी। वो बुशरा बीबी शायद केपी के चली गई है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है उसके साथ
उनकी कोई मशावरत होगी, फिर एक नया रुख इख्तियार होगा कि किस तरह से जो पानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं उनको बाहर लाया जाए। ये सारी सूरत हाल आने वाले दिनों में वाजे हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको ये जो चीजें बताई काजी फायज ईसा के हवाले से, 13 माह का एक गंदा तरीन टाइम पीरियड जो काजी फायज ईसा ने एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कलम थामा हुआ था वो आज खत्म हुआ, और इस पर मैं कौम को मुबारकबाद देता हूं कि एक ऐसे शख्स से कौम को छुटकारा हासिल हुआ जिसने ना पाकिस्तान के आइन का ख्याल किया कभी, ना कानून का ख्याल किया, बल्कि एक कठपुतली और एक दलाल का रोल प्ले करता रहा सुप्रीम कोर्ट में, और ये अपने कलम से ये फैसले लिखता रहा, और आज इस नतीजे पर जाकर ये शख्स खुद पहुंचा कि एक बेकरी वाले ने इसके ऊपर उठकर लानत भेजी हर जगह पर। और मैं आपको ये बताऊं कि ये शख्स आने वाले दिनों में यहां से टिकट निकालकर फरार हो जाएगा, फौरी ये मुल्क को छोड़ देगा, और आने वाले दिनों में ये आपको इंशाल्लाह इस खबर की तस्दीक भी होगी। ये जो आईनी तरमीम का एक मामला था इसके ऊपर छोटा सा इंफॉर्मेशन ऐड करूंगा कि हमने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है इसके अंदर जो दो बेंचेस इस चोर हुकूमत में बनाए हैं, दो बेंचेस बनाने का मकसद यही था कि जो आईनी बेंच बनेगा वो आईनी बेंच हुकूमत के ताबे होकर काम करेगा, और उस आईनी बेंच का जो सरबरा होगा एक अंगूठा छाप के कहने पर निशान लगाकर फैसले करेगा। लेकिन कानूनी माहिरीन की तरफ से ये रिपोर्ट आ गई है कि ये जो तरमीम थी आईनी बेंच वाली, इसमें 26वीं तरमीम के बजाय 27वीं तरमीम करने के बाद फिर इसको वापस रिशफल करके चेंज करके इसमें तब्दीली लाई जाए, नहीं तो कानूनी तौर पर बड़े पैमाने पर पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। ये सारी सूरत हाल है। हमने ये पहले भी ये चीज डिस्कस की थी, हमने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि ये जो आईनी बेंच वाला मामला है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला है, लेकिन इस पर शदीद तनकीद हुई मीडिया पर। कानूनी माहरीन ने ये एक बड़ा अच्छा इकदाम किया और ये कहा गया कि ये नालायक अंगूठा छाप लोग थे जिन्होंने ये सेनेट से इस बिल को मंजूर किया, मंजूर करने के बाद इन्होंने फिर वापस इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जल्दी जल्दी में, फिर इसी जो तरमीम से ही चीफ जस्टिस का फैसला किया, और फिर चीफ जस्टिस का फैसला करने के बाद इन बदबख्तों ने यह नहीं देखा कि हम जो बेंच बना रहे हैं इस आईनी तरमीम को रीड कर लें, पढ़नी तो इनको आती नहीं थी, वैसे भी इनको पढ़नी आती नहीं थी, किसी से ही रीड करवाकर समझ लेते, लेकिन यह जहमत इन्होंने नहीं की। कहा जाता है कि यह जो आईनी मसवदा था यह किसी और का तैयार करदा था, इन लोगों का नहीं था, जिस पर इन्होंने तो खाली अंगूठा और दस्तखत करने थे और मंजूरी देनी थी। ये सारी सूरत हाल, ये सारी चीजें मैंने अवाम के अपने ऑडियंस के सामने रखी कि ये जो चीजें मुल्क के अंदर हुई हैं ये बिल्कुल शायद के अच्छी नहीं थी, लेकिन आने वाले दिनों में ये बात वाजे तौर पर इन पिक्चर होकर क्लियर हो जाएगी कि आने वाले दिनों में एक अच्छा बेहतरीन और एक इंसाफ का दौर शुरू होने वाला है, और हमें जस्टिस याया अफरीदी एज अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो कलम थामेंगे और मुल्क के लिए कुछ अच्छे फैसले आएंगे जिससे मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा और आने वाले दिनों में एक बेहतरीन बेहतरीन दौर का पाकिस्तान में आगाज हो जाएगा जिससे मुल्क की जो अनरेस्ट है वो खत्म हो जाएगी, और उस अनरेस्ट के खत्म होने के साथ ही मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। और फिर आखिर में एक बार कहूंगा कि जितने भी मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस आए, सबसे कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा था, है और रहेगा।
मुझे दीजिए इजाजत, जैसे ही कोई नई पेशरफ्त होगी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।